फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर परमजीत और आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। दोस्तों, अब तक हमने बहुत सारे हेल्थ टॉपिक्स पे वीडियोस बनाए हैं और आप देख भी रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। अब हमने ये सीरीज शुरू करी है जिसमें हम आपको खाने पीने के बारे में सही और सटीक जानकारी देंगे। आजकल इंटरनेट पे लगातार हर दिन कोई ना कोई खाने पीने के बारे में आर्टिकल आता रहता है, लेकिन क्या आप उन सब पे आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं? क्या आप जानते हैं कि इन आर्टिकल्स को लिखने वाले 90% लोग हेल्थ बैकग्राउंड, मेडिकल बैकग्राउंड से है ही नहीं, और ये कुछ यहां से कुछ वहां से कुछ किसी ने कह दिया कुछ किसी ने कह दिया उठा के अपना आर्टिकल बना के आपको भेज देते हैं। दोस्तों, इसी वजह से फूड और खाने पीने के मामले में बहुत ज्यादा गलत फहमियां चल रही हैं, बहुत ज्यादा मिथ्स और गलत फैक्ट्स सुनने में आते हैं आजकल। दोस्तों, इस सीरीज में हम खाने पीने के मामले में सारे मिथ और सारे फैक्ट क्लियर करेंगे, और आप भी आपके खाने पीने के बारे में जो भी सवाल हैं हमें जरूर लिखिए, हम उसके जवाब में वीडियो या कमेंट जरूर करेंगे। अगर आप भी हेल्थ के बारे में जानना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करिए मेरा ये चैनल डॉक्टर एजुकेशन और बेल का आइकन दबाइए ताकि आप आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाएं। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है हेल्दी वेजी डाइट, वेगन डाइट। दोस्तों, वेगन डाइट की पॉपुलैरिटी आजकल बढ़ती जा रही है और कई लोग नॉन वेज से वेज बनते जा रहे हैं। ये एक अच्छी बात भी है, लेकिन वेगन डाइट के साथ भी कई प्रकार के मिथ्स जुड़े हुए हैं, कई प्रकार की गलत धारणाएं जुड़ी हुई हैं। जैसे कि कई लोग मानते हैं कि वेगन डाइट से आपको उतना प्रोटीन नहीं मिल सकता जितना आपको चाहिए। दोस्तों, ये गलत है। एक वेल बैलेंस्ड, वेल प्लान्ड वेगन डाइट से भी आप अपने शरीर की प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हैं। हर इंसान को उसके वजन के अनुसार दिन भर में प्रोटीन खाना चाहिए होता है, और एक नॉर्मल एडल्ट को दिन भर में टोटल प्रोटीन की मात्रा 1 टू 1.5 ग्राम पर केजी वेट के हिसाब से खानी होती है। तो अगर आपका वजन 60 किलो है तो आपको 60 ग्राम प्रोटीन से 90 ग्राम प्रोटीन दिन भर में खाने चाहिए। दोस्तों, प्लांट प्रोटीन और एनिमल प्रोटीन में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है कि प्लांट प्रोटीन में बहुत ज्यादा फाइबर है और फैट्स कम है, जबकि एनिमल प्रोटीन में फैट्स ज्यादा है, फाइबर है उसमें लेकिन फैट्स ज्यादा है। दूसरा डिफरेंस जो है प्लांट प्रोटीन और एनिमल प्रोटीन में, ये है कि एनिमल प्रोटीन की डाइजेस्टिबिलिटी थोड़ी ज्यादा है और प्लांट प्रोटीन की डाइजेस्टिबिलिटी कम होने की वजह से आपको 60 ग्राम प्रोटीन खाने के लिए जितना एनिमल प्रोटीन खाना होगा उससे थोड़ा ज्यादा प्लांट प्रोटीन खाना पड़ेगा। तो प्लांट प्रोटीन से अगर आप अपनी प्रोटीन की आवश्यकता पूरी करना चाहते हैं तो प्रोटीन की मात्रा आपको ज्यादा खानी पड़ेगी। हाई फाइबर एंड लेस फैट होने की वजह से प्लांट प्रोटीन्स आर गुड फॉर द हार्ट एज वेल एज योर वेट। तो प्लांट प्रोटीन वजन के लिए और दिल के लिए भी अच्छे होते हैं। अब प्रोटीन्स वेजी डाइट में आप दालों से, लेग्यूम्स, बीन्स, पीज, सोय, टोफू, नट्स से, सीड से और डेयरी प्रोडक्ट से अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स को दोस्तों आप ट्राई करिए कि लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स, लो फैट मिल्क, लो फैट प्रोटीन्स, इन चीजों को ज्यादा प्रेफर करें। तो इस तरह से दोस्तों एक
वेजिटेरियन डाइट से भी प्रोटीन का रिक्वायरमेंट बॉडी का अच्छी तरह से पूरा किया जा सकता है। दूसरा मिथ जो दोस्तों चलता है वेगन डाइट में वो ये है कि स्ट्रॉन्ग बोन्स के लिए आपको दूध की आवश्यकता अनिवार्य है। ऑल्दो इसमें कोई दो राय नहीं है कि मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट से बोन्स हेल्दी रहते हैं, क्योंकि बोन्स को मेनली तीन इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं, कैल्शियम, विटामिन डी और प्रोटीन्स। ये तीनों ही आपके मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स में होते हैं, एग में होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये बिना मिल्क से ये पूरे नहीं हो सकते। ये अच्छी मात्रा में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में, ब्रोकली में, सोय में, टोफू में, सीरियल्स में सब होते हैं। तो अगर आप एक वेल मेंटेन मिक्स वैरायटी वाली डाइट लेते हैं तो भी आपके इन सब चीजों के रिक्वायरमेंट पूरे हो सकते हैं और बोन्स हेल्दी हो सकती हैं। और एक बात दोस्तों, हेल्दी स्ट्रॉन्ग बोन्स के लिए इस सब चीजों के अलावा एक बहुत जरूरी चीज है जो है वेट बेयरिंग एक्सरसाइज, जैसे कि वॉकिंग, रनिंग, योगा, एनी स्पोर्ट्स। दोस्तों बिना एक्सरसाइज के, बिना वेट बेयरिंग एक्सरसाइज के स्ट्रॉन्ग बोन्स नहीं हो सकते। दोस्तों तीसरा मिथ ये है कि सोय प्रोटीन्स के साथ कैंसर का रिस्क, खासकर ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। दोस्तों इस बात का आपको न्यूज में कई जगह उल्लेख मिलेगा, लेकिन मेडिकल रिसर्च में इसका कोई भी एविडेंस नहीं है। बल्कि ये एविडेंस जरूर है कि लड़कियों में अगर ग्रोइंग एज में, चाइल्डहुड में अगर वो सोय प्रोटीन ज्यादा लेती हैं तो उनकी आगे चल के ब्रेस्ट कैंसर होने का रिस्क कम हो जाता है। एडल्ट्स में सोय प्रोटीन लेने का ऐसा कोई इफेक्ट, ना ही पॉजिटिव ना नेगेटिव, कोई इफेक्ट नहीं है। अगर आप एक वेल प्लान्ड बैलेंस्ड डाइट अगर आप लेते हैं तो किसी भी एज में किसी भी प्रकार की रिक्वायरमेंट आप पूरी कर सकते हैं। जैसे कि प्रेगनेंसी में आपको आयरन, कैल्शियम और विटामिन सी ज्यादा चाहिए होता है, तो ये सारी चीजें वेज डाइट से पूरी की जा सकती है। लेकिन ये बात सच है कि वेज या नॉन वेज आप कोई भी डाइट ले रहे हो, प्रेगनेंसी में आपको सप्लीमेंट्स लेने पड़ सकते हैं। और एक बात, आप अपनी डाइट में जितना कम प्रोसेस्ड फूड रखें उतना बेहतर होता है। ज्यादातर बल्क चीजें आप नॉन प्रोसेस्ड फूड को रखिए। प्रोसेस्ड फूड वो होती हैं जो आपको टिन में, कैन में मिलती हैं, राइट? टिन, कैन में या प्रिजर्वेटिव वाली जो चीजें हैं उनको मिनिमम रखिए आप। दोस्तों चीज जो हम खाते हैं, जो पिज्जा में और मार्केट में बहुत ज्यादा आजकल चल रहे हैं, इस चीज में नो डाउट हाई क्वांटिटी ऑफ कैल्शियम पाया जाता है, लेकिन चीज के अंदर हाई लेवल्स ऑफ सैचुरेटेड फैट्स भी है और बहुत ज्यादा सोडियम भी है। तो बहुत ज्यादा मात्रा में चीज खाने से भी बहुत नुकसान हो जाता है। तो इसलिए आप ये सब चीजें खा सकते हैं, लेकिन इसे आप अपने डाइट में 25% से लेस रखिए। मेजॉरिटी डाइट आपकी बैलेंस्ड होनी चाहिए। आपके वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, होल ग्रेन्स, लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स एंड लीन प्रोटीन्स। सो एक हेल्दी वेज डाइट के लिए आप अपनी प्लेट के आधे हिस्से में वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड सैलेड्स को रखिए और आधे हिस्से को, 25% हिस्से में आप प्रोटीन्स ले सकते हैं, प्रेफरेबली लीन प्रोटीन्स, एंड 25% में होल ग्रेन्स एंड साथ में आप लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स लीजिए। तो इस तरह से एक वेल बैलेंस्ड वेज डाइट आप अपनी लाइफ में अपना सकते हैं और इससे तकरीबन हर एक रिक्वायरमेंट बॉडी की पूरी की जा सकती है।
तो दोस्तों ये बात हुई हेल्दी वेगन डाइट की। इसी तरह हम नेक्स्ट टाइम एक और फूड रिलेटेड वीडियो निकालेंगे जिसमें के ऐसे ही कई मिथ और गलत धारणाएं हम सुलझाएंगे और आपके सवालों के आंसर भी देंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे शेयर जरूर करिए, हमारे इस एफर्ट को सपोर्ट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ज्यादा से ज्यादा लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हम भी ज्यादा से ज्यादा वीडियोस बना पाएंगे। थैंक यू सो मच। मैं डॉक्टर परमजीत और आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन।